एंजिलो मैथ्यूज को बिना बॉल खेले एम्पायर ने आउट दे दिया। क्रिकेट के इतिहास में ये शर्मनाक घटना माना जाएगा, या यूं बोल लीजिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, और ये शर्मनाक हरकत शकीब अल हसन ने किया है। आखिर एंजिलो मैथ्यूज को एम्पायर ने आउट क्यों दिया? दरअसल हुआ कुछ ऐसा, श्रीलंका का चौथा विकेट गिरा, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए एंजिलो मैथ्यूज, और मैथ्यूज जैसे ही स्ट्राइक लेने वाले थे तो मैथ्यूज को लगा कि उसके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसने डग आउट की तरफ इशारा किया और दूसरा हेलमेट लाने के लिए कहा। लेकिन एक बल्लेबाज के पास 2 मिनट का समय होता है कि वो स्ट्राइक ले, लेकिन खराब हेलमेट की वजह से लेट हो गया। तभी शाकिब ने अंपायर से अपील किया और अंपायर ने रूल के हिसाब से आउट दे दिया, और ये देखकर एंजिलो मैथ्यूज और पूरा वर्ल्ड क्रिकेट हैरान हो गया और मैथ्यूज को पवेलियन जाना पड़ा। दोस्तों, क्या इससे ज्यादा शर्मनाक क्रिकेट आपने देखा है?